सत श्री अकाल। जलंधर की जंग के इस स्पैशल न्यूज़ बुलेटिन में तुहाड़ा स्वागत है। जिवें कि तुसी जानते हो कि जलंधर लोग सभा सीट पर 10 मई को जिमनी चोण के लिए वोटिंग होगी ते 13 मई को इसका नतीजा भी आएगा। MH1 न्यूज़ ने भी इन्हां चोणां की खास कवरेज करन दे लई सारे यतन किए हैं। MH1 एक्सप्रैस, जी हाँ, साड़ी ये खास बस इस वेले जलंधर लोग सभा सीट पर जगह जगह फेरी ला रही है ते यह जानन की कोशिश कर रही है कि हुण इस सीट पर सियासी माहौल की होगा। तो आओ शुरू करते हैं अज का यह सफर ते देखते हैं जलंधर दी जंग। जलंधर लोग सभा सीट जिमनी चोण के लिए 10 मई को वोटां पैणगियां। जिवें जिवें वोटिंग तरीकां नेड़े आ रही हैं उस दे नाल ही जलंधर सीट ते चोण प्रचार ते होर तेज हुंदा जा रहा है। पंजाब दे मुख मंत्री भगवंत मान ने भी अपनी पार्टी दे उम्मीदवार दे हक च चोण प्रचार करन दे लई लोग सभा हल्के दे विच कई जगह ते चोण प्रचार किया है ते रोड शो दे विच भी शामिल होए। तो आओ तुहानू दिखाउंदे हां यह खास रिपोर्ट। बहुत वधिया बनावांगे, करते शुरू, स्कूल बहुत वधिया बन लग गए सरकारी। आने वाले 6 महीने बाद तुम देखोगे कि स्कूलों का काया पलट किवें होंदा है। कहा सी इलाज थोड़े आले दुआले घर से मिलेगा, मिलेगा भी मुफ्त। आम आदमी क्लीनिक 504 खोलते, 150 होर तैयार है ते गरीबा नू मुफ्त दे विच इलाज होगा। भावें पैसा थोड़े सामने खड़ा हूं, 28,874 कले कले की लिस्ट पई है। कोई STO लगे ने, कोई असिस्टेंट लाइनमैन लगे ने, कोई ड्राफ्टमैन ने, कोई क्लर्क लगे ने, और एक भी बंदे तो कोई एक भी नवा पैसा ले लिया होवे नौकरी देन दा, मैं जिम्मेवार हाँ जी। और किसी ने कोई सिफारिश लाती होवे कि कोई लभ के बंदा सिफारिश लाती असी किसी होर नू कढ़ता उन्हू पा लिया ना, पेपर दे लो, दो बारी पेपर दे लो, अगला चांस दे देंगे, उस तो भी अगला चांस दे देंगे, पेपर दे लो, मैरिट च आ जाओ, थोनू पैसे तक तो होर ना हो जाए। क्योंकि अज मेरे को 10 किले ने, मैं जिम्मेदार हूं, मैं झोना बीजिया, बेमौसमी बरसात हो गई, गड़े पै गए, मेरा झोना मर गया। सरकार ने कहता 15,000 रुपया एक एकड़ का मिलेगा, उन्हू 10 किले का 1.5 लाख मिल गया। बड़ी वधिया गल है, जिम्मेदारा उन्होंने भी दिया करांगे, गड़े उन्होंने भी पै गए, गड़े उन्होंने दिहाड़ी से भी पै गए। सो इस करके मैं थोड़ा कहना थोड़े ना थोड़े वर्ग अं पहला फिर अं हूं दूर तो नहीं हो फिर, ठीक है ना? नहीं वो तो फट के अंदर कर दिया, हजे होर की बहुत ही बारी आनी है। उड़ीकी जाओ, उड़ीकी जाओ, देखते दे जाओ, कागज तैयार ने, कागज तैयार ने, जो वो थोड़े भी लावांगे बिजली के रूप च हस्पताल। आ मैं सड़क तो आया, मैं अज मैं नाल दे मुंडे नाल गल करदा सी, मैं कहिंदा 1993 च मैं कलाकार बन गया सी, 1993 दा मैं आ सड़क उत्तों दी लंघना, मैं ना ओए सड़क बनी देखी, मैं कहिंदा पता नहीं मेरे हत्थों ही लिखी सी, दस ए मेरे हत्थों ही लिखी सी। हुण हुण मैं देख ली, नाल ही मैं फोन करता ना, हुण तुसीं देख। अच्छा पट्टा पिया बहुत वारी देखिया है पर पट्टा ढकिया नहीं देखा कदे, सही है ना? तो मैनू कले कली गल का पता, कली कली सड़क जानदा, कली कली पुली जानदा। मैं पिछले 1993 का मैं सड़क ती फिरदा, मैं पंजाब दियां, मैनू कला कला पता। सो इस करके थोड़े कोले आया कि 10 मई नू एक मौका थोड़े कोले। देखो 10 मई नू वोटां पैणगियां, इन्ना क पै जूगा जे रिंकू जितूगा, आम आदमी पार्टी जितूगी, विधानसभा च 92 आ, राजसभा च 10 आ, ते रिंकू जदों लोग सभा च गया ते उत्थे उत्थे जिहड़ी कुर्सी ते बैठूगा वो इक्को ही सीट है जिहड़ी मैं छड्ड के आया। जिवें संगरूर दे विच पैसे लगे उवें थोड़े जलंधर च पैसे ला के दिखावांगे तुहानू, नाले हिसाब देवांगे कल्ले कल्ले रुपईए दा। झाड़ू वाला किन्नवें नंबर ते बटन अपना, देखो मशीन दे विच बटन दूजे नंबर ते है, आउणा आपां ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਵਧੂਗਾ। ਮੈਂ ਟੁਕੜੇ ਤਿਕੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲਿਓ, ਦੁਆਬੇ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁਣ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਧ। ਹੁਣ ਮੈਂ 12 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 14 ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, 16 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰੂੰਗਾ। 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾ ਦੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ जे नीयत साफ होवे सारा कुछ हो जाता है, नौकरियां भी मिलती हैं, बिजली भी फ्री है,
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਈਲਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਨਾ ਕਰਾ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬੁਝ ਨਾ ਜਾਵੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਲਮ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਗ ਜਾਣ ਬਣ ਜਾਣ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬੁਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। जलंधर जिमनी चोणा विच अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक विच चोण प्रचार करन दे लई पंजाब दे कैबिनेट मंत्री चेतन सिंह जोड़ा माजरा भी जलंधर पहुंचे। उन्होंने नाल साडे सहयोगी दीपक शर्मा ने खास गलबात की जिसकी एक झलक तुहाडे सामने पेश करते हैं। सो जलंधर चोण प्रचार जिहड़ा शिखरां ते इस वेले चोण प्रचार चल रहा, थोड़ी देर च सीएम भगवंत मान जिहड़े ने पहुंचण वाले ने, लगातार जिहड़े ने तमाम मंत्री और एमएलए जिहड़े पहुंच रहे ने, मंत्री साहब चेतन सिंह जोड़ा माजरा भी पहुंचे हुए ने। सर पहलों तो चोन प्रचार वैसे तो पहुंचे किस तरह का हुंगारा मिल रहा है? देखो जलंधर हल्के दे लोग पूरी तरह तैयार ने, फलौर हल्के दे लोग ने जिहड़े साढ़े सुशील कुमार रिंकू जी उन्होंने बड़े मार्जन जिहड़ा जिता के दिल्ली लोग सभा दे विच भेजणगे। सो इतों साफ जाहर हो पार्टी दी कीहड़ी नीतियां जिहड़ी लोगों च लैके जा रहे हो? देखो पहली सरकार है जिन्हें एक साल के जिहड़ा 28,000 के करीब नौजवानों नौकरियां दित्तियां ने, 600 यूनिट बिजली फ्री दित्ती आ, एमिनस स्कूल 117 एमिनस स्कूल बना रहे हैं, उहदे नाल ही जिहड़ी हैगी आ आए साल पुलिस नूं जिहड़ी हैगी पुलिस की भर्ती है जिहड़ी उह बाकायदा महीने फिक्स किए गए ने, जनवरी दे विच नोटिफिकेशन होना और जून दे विच टैस्ट होना और सितंबर दे विच फिजिकल टैस्ट होना और अक्टूबर नवंबर दे विच जिहड़े नियुक्ति पत्र दित्ते जाणगे। सो पहली सरकार है जिन्हें अपने आने वाले सालों का प्लान है वह लोगों को दसता कि असी जिहड़े पुलिस की भर्ती इस तरह करे करांगे और हर एक चीज़ है जिहड़ी बिना सिफारिश तो बिना पैसे तो जिहड़े नौजवानों साडे नूं नौकरियां मिल रही ने। बहुत सारे नौजवान तो इहो जिहे सी जिन्हां ने बाहर जाण वास्ते टिकटां कराईआं होईआं सी, उन्हां टिकटां कैंसल करा के उरे नौकरियां ज्वाइन कीतीआं ने और पंजाब दे विच रहि के पंजाब दी सेवा करदा जिहड़ा। जित लई कितना का आश्वस्त नजर आ रहे? लास्ट सवाल, जित लई कितना का आश्वस्त नजर? नहीं 100% होआं जी, आश्वासन है कि असीं जित्तांगे, वड्डे मार्जन ते जित्तांगे। सो जित वास्ते पूरी तरह आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लगातार चोन अखाड़ा जिहड़ा पक चुक्या और प्रचार जिहड़ा सारियां ही पार्टियां वल्लों जिहड़ा है कितें ना कितें शिखरां ते है। कैमरामैन दादू नाल दीपक शर्मा, एमएचओ न्यूज़ जलंधर। जलंधर लोक सभा जिमनी चोणां दे लई सारियां सियासी पार्टियां ने प्रचार की गति नूं तेज कर दिता है। इस दौरान कांग्रेस के एमएलए प्रगट सिंह अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक विच चोण प्रचार कर रहे हैं। उन्हां दे नाल भी एमएचओ न्यूज़ ने खास गलबात की। जलंधर की जिमनी चोण की जंग लगातार जारी है तो असी सारी कवरेज तुहानूं विखा रहे हैं। मेरे नाल इस वक्त बहुत खास मेहमान मौजूद ने, प्रगट सिंह ने, जलंधर कैंट तो एमएलए भी ने, कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, भारतीय टीम के भी रह चुके हैं, गलबात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा मेजबान। थैंक यू जी। किवें तुसीं भी जा रहे हो, लोगों के जा रहे हो, हल्के हल्के जा रहे हो, की लग रहा जिमनी चोण की हवा किस तरफ है इस बार? नहीं देखो लोगों ने मन बनाया होया, क्योंकि पहला देखो बदलाव की हवा चली सी 14-15 महीने पहला, तो लोगों ने देखो 92 सीटा जिहड़ियां पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी नूं दित्तियां सी, पर हुण वो गल जिहड़ी आ ऑलमोस्ट क्लीयर हो चुकी आ और लोग अपना मन जिहड़ा बना चुके आ कि जिहड़ी जिहड़ी क्योंकि इहनां दी परफॉर्मेंस ही कोई अप टू मार्क नहीं हैगी, तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट का प्रैशर प्रूशर लैके तुरे फिरदे आ और लोग प्रैशर नहीं चलते क्योंकि वोट तो लोगों ने पाउणी हुंदी आ। सो इस करके मैं लगता भी क्लीयर कट ही कांग्रेस यह जी सीट अपनी रिटेन कर रही है। जो भी विपक्षी दल पर प्रचार कर रहे हैं उही कह रहे हैं कि ये परिवार की सीट बन गई है, नहीं जी हुण परिवार तो बाहर का बंदा आना चाहिए, परिवारवाद क्यों होवे? नहीं देखो देखो चौधरी साहब का अपना रुतबा भी सीगा, कहण तो फिर जो मर्जी कह लो भी आटा गूंदी का लक क्यों हिलदा, लेकिन एंड ऑफ द डे तो तुहाडी परफॉर्मेंस की गल तो होनी हुई है। ये तो ठीक है भी जिन्हें कहना उन्हें कहना ही आ, बट एट द सेम टाइम कितें ना कितें सरकार की परफॉर्मेंस की कारगुजारी 9 साल की BJP की 14 महीने की आम आदमी पार्टी की कारगुजारी की जिहड़ी आ वो लगभग सारयां दे सामने आनी है। बादल साहब की जिस तरीके उन्होंने देहांत होया कि लगता हूँ वोटर थोड़े सहानुभूति उन्होंने तरफ तो नहीं आ जाएगा अकाली दल की तरफ? नहीं देखो बहुत टाल लीडर सी, मान लो ऑलमोस्ट 50 साल उन्होंने जिहड़ा राज कीता हैगा, सो उन्हां दा एक अलग शख्सियत सी, एक अलग ऑरा सीगा, वो
ਔਰਾ ਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸੀਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜ ਅਸੀਂ MLA ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਆ ਪਿਛਲੇ 14 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਹਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਭਾਲਦੇ ਆ। ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ 900 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਆਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਾਰਟ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੱਥੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀਓਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਅਨਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ CEO ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਦੀ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਉਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ, ਜੀਤ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆਸ਼ਵਸਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਹੋਏ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਜਲੰਧਰ ਕੈਂਟ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਜਨ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ 200%। ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਵਰ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂ ਨਾਲ, ਨਿਤਿਨ ਦਿਮਾਨ, MH1 ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਨੀਲ ਗਰਗ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਸਰ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਖਰਾਂ ਦੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਹੁਣ ਸੁਧਾਰ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਲੋਕ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਵੇਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬੜੀ ਲੋਕੀ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਈ ਆ, ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਆਪਣਾ MLA ਸੀ, ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ, ਰੋਜ਼ ਟੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤਰੀਕਾਂ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਹਰ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਉਹ 0 ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਅਤੇ ਗੰਨਾ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣਾਏ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਨਮਾਨ ਰਾਸ਼ੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਯੋਗਦਾਨ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣੇ, ਕੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਕੂੜੇ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਉੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ, ਉਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਜਿੱਠਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਆ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਠਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸ਼ਵਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦਾਦੂ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸ਼ਰਮਾ, MH1 ਨਿਊਜ਼, ਜਲੰਧਰ।
जलंधर जिमनी चोणां नूं लै के सारियां सियासी पार्टियां दे विधायक चोण प्रचार कर रहे हैं ते अपने उम्मीदवार की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, जिस दे चलदे होए कांग्रेस पार्टी के हुशियारपुर तो MLA डॉक्टर राज कुमार चब्बेवाल भी अपनी पार्टी के उम्मीदवार के हक विच चोण प्रचार करन दे लई जलंधर पहुंचे, जिथे उन्हां वल्लों जलंधर जिमनी चोणां नूं लै के साडे पत्रकार दीपक शर्मा नाल गलबात की गई। सो जलंधर जिमनी चोन का अखाड़ा पूरी तरह पख्या होया और साडे नाल डॉक्टर राज कुमार चब्बेवाल ने लगातार चुनाव प्रचार जिहड़े ने कर रहे ने, असल वी चोन प्रचार ते पहुंचे ने। जलंधर चब्बेवाल साहब स्वागत है जी। मैं थैंक यू जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। पहलों तो जलंधर की गल करिए, लगातार चोन प्रचार तुसी कर रहे हो, किस तरह की नबज है जलंधर की, किस तरह रिस्पोंस? देखो जलंधर दे विच जिन्ना क देखण नूं मिलिया, लगभग पिछले 10 दिनों तो मैं लगातार इत्थे ही हां। कांग्रेस दीयां केड़ियां नीतियां ने जिहड़ियां लोकां च लैके जा रहे हो? देखो कांग्रेस दे जो पिछले 5 साल दे विच कांग्रेस ने जिहड़े काम कीते आ वो अपने आप दे विच ही वो जिहड़े काम अज भी बोलदे ने, क्योंकि जदों इह बदलाव दी लहर चली आ उदों इह अलग गल आ भी लोकां ने वो काम देखे ही नहीं। काम जो हलकियां दे विच होए आ, जो शहरां दे विच होए आ, पिंडां दे विच होए आ, मैं समझदा कि पिछले 45-50 साल दे विच उन्ना काम नहीं होया। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डिवेलपमेंट की गल कर लो, चाहे कॉलेजेस की गल कर लो, एजुकेशन की गल करिए, तो एजुकेशन के जो नैशनल एजुकेशन सिस्टम है, नैशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडैक्स NPG वी हैव बिन लगातार असी फस्ट रहे हैं। चाहे हैल्थ की गल कर लो, हैल्थ असी कोविड के दिल्ली नालों बेहतर किया। और जेकर महिलावां दे सशक्तिकरण की गल करिए, इन्होंने महिलावां नूं जस्ट एक लॉलीपॉप दे के 1,000 रुपया असी देवांगे, पर असी अपने महिलावां दे विच जेकर गल करिए, असी महिलावां नूं सशक्त किया। जे 50% रेजरवेशन जिहड़ी है वह महिलावां नूं दे के, चाहे वह लोकल बॉडी है, अर्बन लोकल बॉडी है या रूरल लोकल बॉडीज है, उस दे विच असी महिलावां नूं सशक्त करन दा जिहड़ा प्रयास है वह भी किया है। सो बहुत सारे काम। जलंधर बहुत वड्डी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, कहते कि वास्ते कुछ खास जरा इंडस्ट्री जरूर इतने आई वास्ते कुछ खास नहीं किया गया? देखो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री का जिस तरह का सवाल है, जिस तरह लोकल लीडरशिप ने जो भी इशू कभी चक्या होगा, तो मैं समझदा कि साढ़े जिन्हें भी CM साढ़े रहे हैं उन्होंने कभी यह रिफ्यूज़ नहीं किया कि असं ये काम नहीं करना। जे कितने ना कि उस कमी रही है, जाता कोई एक्चुअली कोई ग्राउंड से कोई टैक्निकल प्रॉब्लम है या फिर कोई कितने ना कि कुछ ना कुछ लैग जरूर रहा होगा। जलंधर च बहुत सारे साढ़े SCBC भरा ने, उन्हां वास्ते कोई खास नीतियां पार्टी दी? कांग्रेस पार्टी दी, देखो कांग्रेस पार्टी ने सब तो वड्डा काम यह किया भी जेकर जिहड़ा पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप का जिहड़ा इशू सी इन्नी देर तो जिहड़ा चलता आ रहा, उस दे लई डॉक्टर BR अंबेडकर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी है वह स्टेट फंडड असी जिहड़ी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम जिहड़ी है वह शुरू की। होया कि चीफ मिनिस्टर दलित जिहड़ा वह कांग्रेस पार्टी ने बनाया। सो इस तरह दलित हितैषी स्कीमां की गल करिए, डेरा बल्लां की गल जिस तरह हुणे होई है कि उत्थे जिहड़ा असी 25 करोड़ दिता सी वो 25 करोड़ मतलब एक जस्ट रोक लिया गया। मुख कंपीटीशन जड़ा मुख मुकाबला केड़ी पार्टी ना समझदे जलंधर च गल की? देखो मुख मुकाबला साडा किसे नाल नहीं, क्योंकि लोग अकाली दल तो भर चुके हैं, लोग आम आदमी पार्टी दे एक साल दी कारगुजारी देख चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी नूं जिहड़े उसदे जो कार्यकाल सी 5 साल उसनों अज भी याद कर रहे हैं कि कांग्रेस दे समय जिहड़े काम होए आ, चाहे किसानां दी कर्ज माफी दी गल होवे, गरीबां दी कर्ज माफी दी गल होवे। किस तरह मिल रहा लोकां दा कांग्रेस? बहुत अच्छा है, बहुत मैनूं लगदा है कि 13 नूं जिहड़े नतीजे आणगे 13 मई नूं वह कांग्रेस दे पक्ष च आणगे। बहुत बहुत धन्नवाद जी। सो हुंगारा कहिंदे ने वधिया मिल रहा, नाल ही नाल कहिंदे ने कि मुख टक्कर च किसे भी पार्टी नूं नहीं मंनदे, जित नूं लै के किते ना किते हर पार्टी अस्वस्थ नज़र आ रही है, उस तरह कांग्रेस नेता भी जड़े ने जितने लैके अस्वस्थ नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन दादू नाल दीपक शर्मा, MHN न्यूज़ जलंधर। जलंधर की जंग के इस खास बुलेटिन साडे नाल बने रहने लई तुहाडे सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। जलंधर तो हर खास कवरेज देखने दे लई तुसी बने रहो MHN न्यूज़ के नाल। सत श्री अकाल।